जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, धाकड़ मूवी आखिर ओटीटी पर कब रिलीज होगी, इससे रिलेटेड मेरे पास ढेरों सवाल आ रहे हैं, जहां पे आपने मेरे इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन को भर दिया है धाकड़ मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर। और दोस्तों, मुझे पता है आपको इस मूवी का इंतजार क्यों है, क्योंकि इसका ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लगा था, जहां पर कंगना रनौत ने तो एक इंटेंस लुक आपको फाइट सीन्स के साथ दी थी। इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता की भी काफी सारी इंटेंस लुक हमें नजर आई थी। और जो इसका ट्रेलर था दोस्तों, उसमें जो थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन समझ आई थी, उस वजह से लोगों का काफी इंटरेस्ट बना था इस मूवी में। लेकिन जब इस मूवी को दोस्तों 20 मई को सिनेमा में रिलीज किया गया, तो इसको बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और दोस्तों, जैसे ही कुछ नई मूवीज रिलीज हुई, इसके इतना पुअर रिस्पांस था कि इसकी स्क्रीन्स नई मूवीज ने ले ली। और दोस्तों, इस मूवी ने टोटल 10 करोड़ के आसपास का धंधा किया, और उसके बाद से ये मूवी सिनेमा से जो है आउट हो गई। और इसका दोस्तों जो रिव्यू था वो भी काफी पुअर था, जिस वजह से इसको और ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है नहीं मिल पाया सिनेमाज में। दोस्तों, अब आखिर ये सिनेमा से उतर चुकी है, तो इसका ओटीटी रिलीज कब होने वाला है? दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि काफी सारे लोगों ने ये मैसेज किया है, या मेरे को मैंने वीडियोस भी देखे हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि इसे Z5 पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, इस मूवी को Z5 पर रिलीज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जी स्टूडियो के स्पोक्समैन ने खुद अपने मुंह से बताया है कि Z5 के प्लेटफॉर्म पर ये मूवी रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि Z5 ने इसके राइट्स को बाय नहीं किया है। और Z5 की जो कल परसों में न्यूज़ निकल के आई थी, जिसमें जून की सारी रिलीज की लिस्ट थी, उसमें धाकड़ मूवी का नाम नहीं था, यानी कि धाकड़ मूवी Z5 पे फिलहाल रिलीज नहीं हो रही है। दोस्तों, Z5 के एक स्पोक्समैन ने यह भी बोला है कि फिलहाल तक कोई बड़े बिडर्स या बायर्स इस मूवी के ओटीटी रिलीज के लिए नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, अभी तक इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म इसलिए कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि इसकी बिडिंग जो चल रही है, वहां पर कोई भी टेकर्स इसके नहीं है जो पैसा डाल के इस मूवी को खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहते हो। जो फाइनल डिस्कशन दोस्तों निकल के आई है, वो हो रही है जीव स्टूडियोज और अमेजॉन प्राइम के बीच में, जहां अमेजॉन प्राइम को कन्विंस किया जा रहा है कि वो इस मूवी को लेकर रिलीज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ये डील भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप धाकड़ मूवी के ओटीटी रिलीज कर वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका अभी तक प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके टेकर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, कोई चैनल ने इसे अभी तक नहीं बाय किया है। और इस वजह से दोस्तों, हो सकता है कि अभी आपको कोई इसके रिलीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना आए, क्योंकि इसमें के भी अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म को या ओटीटी राइट्स को ही फिक्स नहीं किया गया है। दोस्तों, ये जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, ये 2 दिन पहले की अपडेट थी जो न्यूज़पेपर में आई थी, तो आप इसका कोई सर्च भी कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, जैसे धाकड़ का हमें कोई और अपडेट मिलती है, जहां पर इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट से इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, वो मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।